खबर उन्नाव से है, जहां अमृत स्टेशन योजना में उन्नाव रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है, जहां आज पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से इस योजना का शिलान्यास करेंगे। इसमें रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 29.8 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ वह तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक बेहतर रेलवे स्टेशन पर होती हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को फूड प्लाजा, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ, बेबी फीडिंग कक्ष जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारतीय स्टेशन योजना में उन्नाव का भी नाम है। इस योजना के तहत उन्नाव में 29.8 करोड़ रुपए खर्च करके उन्नाव रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें शिलान्यास के दौरान उन्नाव में रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, उन्नाव सदर विधायक समेत जिले के सभी जनप्रतिनिधि तथा रेलवे से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये देश संविधान से चल रहा है, निरीक्षण हो रहा है, साक्ष्य लिए जा रहे हैं और कोर्ट जो निर्णय करेगा सबको मानना चाहिए। लोग जो निरीक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दाल में काला है? क्या उन्हें पता है कि बाहर त्रिशूल निकलेगा? क्या उन्हें पता है कि वहां मूर्तियां निकलेंगी? क्या उन्हें पता है कि भगवान शिव का मंदिर है? आखिरकार विरोध क्यों? वो तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो मैं सर्वेयर करने वालों पर ही हमें विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। सर्वेयर जो करेंगे वो ठीक है, निर्णय न्यायालय जो करेगा वो ठीक है। दाल में काला क्या है? दाल में काला ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं क्यों, क्या उन्हें पता है कि वहां क्या निकलने वाला, यही दाल में काला। स्वामी प्रसाद देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।